होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और दिन मेरा शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। और आज क्या लेके गए रेहान? पता नहीं मोबाइल रेहान बोलेंगे रह के याद आता है रेहान, इतनी बातें सुनाएंगे। तो भाई यहाँ पे जो है सो रहे हैं हमारे गबलू बबलू, देख सकते हैं आप लोग, चुस्नी लगा के साथ। ये इसकी चुस्नी हटा दूँ? कच्ची नींद में। अच्छा जी, इनकी जब पक्की नींद हो जाएगी ना, जब हम इनकी चुस्नी हटाएंगे। तो भाई आज जो है रेहान की आएगी बाइक, तो मैं आपको दिखाऊंगी रेहान की बाइक। रेहान की बाइक का तो मुझे इतने बेचैनी से इंतजार है, पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई और खुशी से नींद आई भी और नहीं भी आई, कुछ चल झूठा कह नहीं सकते। तो भाई अभी जो है आज अम्मी क्या बना रही है खाने में, क्या बना रही है? कबूली खिचड़ी और कढ़ाई मरियम की फरमाइश पे। अच्छा, कबूले कबूले वाली खिचड़ी बना रही है। अम्मी बोलो अम्मी कितना कबूल करवाओगी। तो भाई आज जो है ना मेरी अम्मी जी बना रही थी खाने में कबूली खिचड़ी और चिकन कढ़ाई, तो फिर मैं करूँगी आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर। चिकन कढ़ाई की, कबूली खिचड़ी की तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी करूँगी शेयर। और जब मैं बनाऊँगी खाना तो आपको उसकी फुल रेसिपी दिखाऊँगी। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। किसने चाय गिराई है? ये जो ये पता है कैसे चाय गिरी थी? मुझे पता है रेहान से मेरे से गिरी थी। हाँ, कपड़ा मार देते हैं ना बेटा तुम लोग, ऐसी हरकतें करते हो तो गुस्सा आता है। गाइस अम्मी जो है ना अभी थोड़ी गुस्से में है, खैर थोड़ी देर बाद सही। गंदगी बिल्कुल भी समझ नहीं आ। अम्मी कहती है बस घर का हर काम ना परफेक्ट हो, घर में कुछ गंदगी ना हो, कुछ फैलावा ना हो। अच्छा, लेकिन बच्चे कच्चे आ जाते तो आप लोगों को पता है भाई हो जाता है थोड़ा बहुत। ग्रीन कढ़ाई बनानी है? हाँ ग्रीन कढ़ाई। मैं तो बोलू ब्लैक कढ़ाई बनाते हैं आज, ग्रीन व्हाइट तो सब खाते हैं ना हम कुछ। अच्छा, अभी भाभी के साथ मैं तो पागल नफ्सियाती हो जाऊंगी। अम्मी यार रेहान भी इतना रोते हैं, मैं व्लॉगिंग भी मुझे करनी है, मैं क्या क्या करूंगी के साथ, तो सादिया को बोला यहाँ पर आए मेरे साथ ताकि मैं खाना वाना बनाऊंगी तो सादिया घर देखते हैं। अरे हाँ वैसे मरियम है ना, झाड़ू पोछा कर लिया करेगी, सादिया को बुला लूंगी। हाँ मस्त प्लान है। हाँ 3 दिन के लिए आ जाएगा तू, उससे ज्यादा नहीं रुकते। हाँ हाँ भाई सादिया तुम्हें 3-4 दिन के लिए आ, फिर तुम्हें आना है। रेहान क्या कर रहे हैं? पापड़ खा रहे हैं, पापड़ भाई खा रहे हैं। ये आपके आपके आप खा लें, भाई तो खा रहे हैं। यार आपकी रोजी भी आ रही है, गिले देना पकड़े। हाँ जी क्या हो रहा है? ये गाने सुने जा रहे हैं, वाह भाई। और ये शादी है बच्चों की तरह बैठ के यहाँ पे अचार पापड़ खा रही है, हैं अचार पापड़। इतने भी चटखा रहे मतलब कोई तुम चिकन टिक्का नहीं खा रही। अच्छे हैं, अच्छे हैं पापड़, स्पाइसी है, स्पाइसी भी नहीं है। शकल शकल से तो लग रहा। हाँ हाँ उमेर है तो खाओ ना। यही गाना मिले सुनने के लिए और कोई गाना नहीं मिला? एक ही अभी नहीं खा रही। क्या हुआ अम्मी? जाओ मसाला लगा दो सालन में, मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद चावलों का मसाला बना लो। अच्छा वो भी मैं करूँगी और चिकन पे मसाला लगाऊं? हाँ फिर चावलों का मसाला बना ले कढ़ाई। अच्छा तो वो मसाला लगा के बनाऊं? रेहान की वजह से बोल रही हूँ, जाता है ना 1 बजे खाना तैयार हो जाएगा। ओके उसमें मसाला लगा रहा तो ताकि शाम को ऐसे डाल देंगे तो रात को ही खाना खाओगे। पता नहीं कंपनी में क्या बनाऊंगा, बच्चे का तो खा लेता है। देख लो आपके लिए खाना नहीं बचेगा, कढ़ाई बनाएंगे। बना के रख लेना, मैं सुबह खा लूंगा अगर खा के आऊंगा तो। लेकिन खाना है, छोड़ोगे नहीं आप? नहीं नहीं मैं आके खाऊंगा। खाओगे आके? हाँ आके खाऊंगा। मतलब आपके लिए खाना बचाएं जी, अगर जी, खत्म जी, कर दे सारा कोई नहीं। फोन जाऊंगा तुम्हारी माँ का। A few moments later, अभी मैं जा रही थी किचन में और चिकन पे मसाला लगाने जिस तरीके से मैं कढ़ाई बनाती हूँ तो आपके साथ करती हूँ उसकी रेसिपी शेयर। तो गाइस यहाँ पे मैं लगा रही थी चिकन में मसाला चिकन कढ़ाई के लिए। मैं मैरिनेट करके रखती हूँ चिकन को
फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन, और ये है चिकन का एक पैकेट, चिकन कढ़ाई का। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, और काली मिर्चें कुटी हुई, ये काली मिर्चों को मैंने अभी कूटा है, और थोड़ा सा चाइनीज नमक, और ये अदरक को मैंने अभी बारीक काटा था। रियान आप क्यों रो रहे हैं? और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। वैसे तो मैं मिर्ची जब टमाटर का पेस्ट बनाऊंगी तो उसमें ऐड करूंगी, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी। तो फाइनली यहाँ पे मैंने चिकन पे मसाला लगा दिया था। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेट करने रखूंगी, फिर जब सालन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी करूंगी शेयर। यही बात सुने वो सादिया के मुन्ने के लिए ना झूला बांध दे यार, वो बहुत रो रहा है, जल्दी जाए और फिर आपके खाने का टाइम हो रहा है। इसकी रोने की आवाज़ देख रहे हो? देखो हमारे मुन्ने अब आराम से लेट गए, ये उल्टा लेटना चाह रहे थे जब भी इन्होंने रोना धोना लगाए थे। पिट्टी विट्टी मत लगाओ मेरे मुन्ने की, टिकटॉक बनाएंगे अभी। मेरे मुन्ने का झूला बन रहा है अभी, बस बन गया। मुन्ना मुन्ना मुंह खोल के लेटे हुए आप तो। तो भाई फाइनली रेहान ने जो है ना मुन्ने का झूला बना दिया, रेहान ने अपना कारनामा अंजाम दे दिया। ये बन गया है इब्राहिम का झूला। अभी इब्राहिम झूलेंगे, इसमें से इब्राहिम ही लेट सकता है या और कोई भी? रेहान अंकल भी लेट सकते लग रहा है। टाइट बांधना, ऐसा ना हो बच्चा नीचे ही गिर जाए। कपड़ा सही नहीं है, यह बांधना नहीं यार आपको। अभी ये कपड़ा लग रहा है रेहान अंकल के नाप का है झूला, जब ये रेहान अंकल को बांधना नहीं आ रहा। टाइट टाइट और तेज और तेज। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो भाई फाइनली हमारे मुन्ने साहब अपने झूले में लेट गए हैं जो इतनी जद्दोजहद से बना है। मरियम इसको झूला दो, लकड़ी ला। ये झूला ही मांग रहे थे, लकड़ी इधर लगाने के लिए। A few inches later, भाई फाइनली हमारा खाना लग चुका है, अभी हम खाते हैं खाना। खाने में सैलेड, कबूली खिचड़ी, चटनी और अचार। तो अभी खाते हैं हम खाना। 3 hours later. गाइस अभी मैं करने लगी हूँ रेहान के साथ एक छोटा सा प्रैंक। मैं रेहान को करती हूँ कॉल और बोलूँगी आपने जो कल बाइक बुक करवाई थी वो अब्बू ने कैंसिल करवा दी है, उसमें कुछ मसला है, और अब्बू जो है ना गुस्सा कर रहे हैं। फिर रेहान का रिएक्शन देखते हैं। कॉल जा रही है। हेलो यार बात सुनो, वो कुछ बात ले फिर ये लेकिन जो मैं बता रही हूँ ना, फिर अभी आप अब्बू को ना कॉल करके पूछना मत। मैं ये कह रही हूँ वो जो कल आप बाइक बुक करवा कर आए थे ना, अब्बू ने वो कैंसिल करवा दी। अब्बू ये कह रहे हैं, अब्बू की कॉल आई थी अब दोपहर में ना, अब्बू अपनी बाइक खड़ी करके गए थे, और जो है ना दोपहर में अपनी बाइक खड़ी करके यहाँ गए थे, और फिर हम ये समझे कि आपकी बाइक अब्बू आते हुए लेकर आएंगे, लेकिन अभी अब्बू की कॉल आई, अब्बू कह रहे हैं कि मैंने बेटा वो बाइक कैंसिल करवा दी है, इनसे लेनी नहीं है वो बाइक। मतलब अब्बू क्यों क्या हो गया? अब्बू कह रहे बेटा मैं घर आके बताऊंगा, मैं 6-7 बजे तक घर आऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो अभी अम्मी आई है दर्श से, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी यार ऐसे ऐसे मसला है। अब्बू अम्मी बोली नहीं अब्बू को फ़ोन नहीं करना। सामने कैमरा है, आप देख सकते हैं छोटा सा मजाक हुआ है। सामने कैमरा है, देख सकते हैं। आपने अब्बू को फोन क्यों करा? अब्बू को फोन क्यों करा? फोन
अच्छा पूरे किक की बात करी, हमने आपको डायरेक्ट किक लगा दिया ना। तो गाइस ये जो मेरा प्रैंक था ना, देखें ये रेहान की आपने आवाज़ सुन ली होगी, ये रेहान को सब कुछ पहले से ऑलरेडी पता है कि अब्बू ने रेहान से पहले बात कर ली, तो ये प्रैंक मेरा हो गया है नाकाम। अब्बू अभी तक आपका जहाज लेकर आए नहीं है। चलो ठीक है, ओके बाय टाटा। मैंने क्या बोला था? सही है। Many hours later. तो भाई अभी मैं बना रही थी खाना, और खाने में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आज कढ़ाई बनाऊंगी, तो मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी और थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी ऐड किया, उससे बहुत ज़्यादा जायका आता है सालन में। सरसों के ऑयल से तो खाना बहुत ही अच्छा बनता है, तो ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो गाइस यहाँ पर मेरा ऑयल फुल टाइम गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, और इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें अदरक लहसुन और ऐड करी है कुटी हुई मिर्ची। अब इसको मैं पकाऊंगी टमाटर जब तक गल जाएंगे, फिर उसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया है फिर मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरा फाइनली आप लोग देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट बन चुका है, और टमाटर को मैं जो छिलका उतार के छील के फिर डालती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनूंगी ताकि ये जो मसाले वगैरह हैं ये सब इसकी भुनाई हो जाए और रोगन जो है ऊपर आ जाए। अभी भी रोगन ऊपर ही है, मतलब इसको अच्छे से मैं भूनूंगी फिर मैं आप लोगों को इसकी भुनाई करके दिखाती हूँ, और इसमें मैं लगाऊंगी कोयले का दम। गाइस इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने जो मैरिनेट किया था सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऐड है चिकन में, तो जस्ट इसकी भुनाई करके इसको मैं लगाऊंगी कोयले का दम। गाइस फाइनली यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, अब मैं इस पर लगाऊंगी कोयले का दम। मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखाती हूँ, देखिए इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनी है, और फाइनली ये रेडी है, अब मैं इस पर लगाती हूँ कोयले का दम। तो भाई कोयला तो मैंने इस पर रख दिया है, अब मैं इसी के सालन का इस पर डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो गाइस इसमें कोयले का दम लग गया था, अब कोयला मैंने इसमें से हटा दिया है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है धनिया गार्निश के लिए, और अब मेरा कढ़ाई फुल टाइम है तैयार और है जायकेदार। A few inches later. गाइस यहाँ पर रेहान की सेकंड वाइफ आ चुकी है, और फर्स्ट वाइफ इनका इस्तकबाल करने आई है। अमीन इसके लिए हार्वर लेकर आओ, उसको हार्वर डालो बाइक। अमीन कैसी है बाइक? चलो आओ बाहर चलाएं। बाहर चलाएं। चच्ची कैसी है? अच्छी है। तो भाई ये है फाइनली हमारी बाइक। रो तो गाइस यहाँ पर रेहान की सेकंड वाइफ आ चुकी है, मैं आप लोगों को ये चला के दिखा देती हूँ। अभी मैं इसका इस्तकबाल करूँ, आप लोग पहली दफ़ा देख रहे होंगे कोई पहली वाइफ दूसरी वाइफ का बहुत खुशी से इस्तकबाल कर रही है, क्योंकि ये बाइक है, ये बाइक नहीं है। अगर ये रियल वाइफ होती तो चिट्टिया से पकड़ के बाहर निकाल देती। चिट्टिया से नहीं, चिट्टिया से बहुत मामूली चीज़ है, उसके लिए कोई बड़ा करना पड़ता है। अच्छी अच्छी नहीं अच्छी है, अच्छी है यार माशाल्लाह से। गाइस यहाँ पे हमारी मिठाई आ चुकी है, हम पहले शुरुआत करेंगे फेज भाई से, ये हमारे घर के बड़े दामाद बड़े बहनोई है हमारे। अच्छा फेस भाई ने डायरेक्ट दो उठाए, अच्छा अपनी सेहत के हिसाब से ना, ये लो आप भी लो, आना आना ये लो भाई सादिया मिठाई खाओ, हमारी फर्स्ट बाइक की खैर मुबारक। आमीन आमीन। मेरे मुन्ने को भी थोड़ी सी चटाओ। तो गाइस इसी व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट कर दें, बहुत सारी दुआएं दे दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।